दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट की आंसर की हल करवाएंगे आप लोगों को, और जो कुछ संभावित प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में पूछे गए थे तो उनको मैं लेकर आया हूँ। तो इन प्रश्नों को आप लोग जरूर देखिएगा। संतरा में कौन सी विटामिन पाया जाता है? तो आप लोग जानते हैं, जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, इस समय विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। प्रकाश वर्ष पूछा गया है आपका, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, यह आपका पूछा गया प्रश्न है। फेमा का फुल फॉर्म क्या है? होराइजन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है, इसका फुल फॉर्म होता है फेमा, आपका भी पूछा गया था। और आगे कुछ प्रश्नों को लिया गया है। कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी सैन जोस है, कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोस है। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो मलयालम बोली जाती है लक्षद्वीप में। ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 सूत्र, इसका सूत्र होता है ब्लीचिंग पाउडर का। संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किस सूची में आते हैं? तो ये राज्य सूची में आते हैं। एशिया का प्रथम नोबल पुरस्कार किसे दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था, 1913 में दिया गया था, साहित्य के लिए दिया गया था। जनता एलरो की गुफाएं महाराष्ट्र और औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के, तो ये आपका औरंगाबाद ऑप्शन था। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन को। सलाल पल बिजली परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ये चनाब नदी पर बनी हुई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यह आपका 21A में दिया गया है, आपका 86वें संविधान संशोधन से संबंधित है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह आप जानते हैं, बुध आपका मरकरी है। वीवो जो आपकी मोबाइल ब्रांड आती है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके विराट कोहली हैं। कौन से संत शिवाजी के पास समकालीन थे? तुकाराम जी थे, उनके समकालीन में थे। अगला कुछ प्रश्न आपका है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह, यह आपका हो गया, रिपीट क्वेश्चन है। और कुछ आपके प्रश्न, संभावित प्रश्न हैं जो आप लिए गए हैं। नेपाल की सीमा में कितने राज्यों से मिलती है? तो आप जानते हैं 5 राज्य जैसे हैं जो नेपाल की सीमा से मिलते हैं। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, ये मैच करने के लिए आपका क्वेश्चन आया था। सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले और रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद, तो ये आपका आया हुआ था। चरक संहिता आप जानते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है चरक संहिता। करो या मरो महात्मा गांधी, हिमालय की नदी कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय की नदियां हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन होस्टिंग था। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। काशीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न थे, धन्यवाद। Thank you.